उत्तर। सभी लोग ध्यान दो। गिवन इन क्वेश्चन टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, and when the angle between two vectors is theta, then their resultant will be this one, r plus r equal to b plus q, p plus q, okay, and hence magnitude of vector r equal to b square plus U square plus 2 U P Q cos theta theta, इसको square कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? No sir. Yes. But according to question, in first case, magnitude of vector R equal to 2P when inclination is theta. Clear? Therefore, here you write 2P equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. And this is 4P square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Clear? Therefore, just इसको इक्वेशन वन बना दे सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हो 3p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा थीटा, दिस इज इक्वेशन वन। ओवर। नाउ नेक्स्ट थिंग्स, व्हेन इंक्लिनेशन बिकम्स 180 माइनस थीटा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू पी स्क्वायर पी स्क्वायर, क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? P square plus U square plus P Q cos theta 180 minus theta 180 minus theta, clear? Therefore, cos 180 minus theta क्या होता है? Minus theta. Yes. So this is equal to P square minus P square equal to Q square and minus 2PQ cos theta, clear? अब ये तो जीरो हो गया ना? जीरो इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू cos theta, clear? So क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला? टू पी क्यू cos theta. Yes, टू पी क्यू cos. ये तो समझ गया आपने? Putting this value in equation first, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कहाँ डाल देंगे? First question. फर्स्ट क्वेश्चन में डाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यस। और पुट करने के बाद सॉल्व करके बताइए क्या आया? 2 यस। आ गया? यस सर। One more problem is there in this topic, so that problem is to be noted down. Yes, second question, last question. Find the magnitude and inclination to x-axis of a force vector F, of a force vector
हाँ फाइन मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन ऑफ ए फोर्स वेक्टर एफ. With the x-axis, if sir, I'm gonna talk to him. कौन अमन से बात कर रहा है? ये देखो इफ एक वाले एक में क्वेश्चन है इफ वेक्टर एफ इक्वल टू 3i + 4j एफ इक्वल टू 3i + 4j एंड बी में है वेक्टर एफ इक्वल टू -i + j में क्या बताया थे फाइंड मैग्नीट्यूड यही ना तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइव क्लियर है कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू रूट अंडर यानी कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई का स्क्वायर एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर जे का स्क्वायर यस तो यहां आई का कोएफिशिएंट 3 है यहां आई का कोएफिशिएंट 4 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हां जी 9 प्लस 6 25 यूनिट मैग्नीट्यूड तो ये निकल आया और ये दो वेक्टर है ना वेक्टर 3 आई वेक्टर 4 जे ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है यस इसलिए जब परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका है tan 4/3 y कंपोनेंट टू x कंपोनेंट इक्वल टू tan थीटा ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट वो फार्मूला अप्लाई करेंगे एंगल हो जाएगा इसलिए इनवर्स 4/3 इसलिए डायरेक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्शन और इसका डायग्राम भी आपको दिखाना होगा डायग्राम में क्या करेंगे ये देखिए एक वेक्टर है o से चला है कितना यूनिट है 3 3i दूसरा क्या हो गया 4j और ये क्या हो गया इसको बड़ा करना होगा क्योंकि ये जो भी चीज बताया है उसको अप्लाई करेंगे 4j एंड ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर क्लियर ये ना यस तो ये हो गया f इक्वल टू कितना 3i + 4j और इसका डायरेक्शन ये हो गया क्योंकि ये x एक्सिस है Yes. क्योंकि यहां पर हम एक्स एक्सिस y एंड x ये जाएगा कि ये x एक्सिस है yes. तो हमें कह रहा है कि x एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल होगा डायरेक्शन क्या होगा yes. तो हमें थीटा निकालना है क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू 4/3 यस यस मैंने फार्मूला क्या बताया था y अपॉन x दैट इज इक्वल टू 4/3 4/3 and hence theta equal to क्या हो जाएगा tan inverse 4/3 equal to tan inverse 4/3 ये हो गया 1.something ठीक है answer is absolutely right no problem second का magnitude root 3 और angle of 45 degree okay second भी अब सब लोग खुद से बना लोगे और एंगल भी निकल आया 45 डिग्री yes, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 आया होगा यस सर ओके